माननीय अशोक सिंह जी, जिला अध्यक्ष जी, जिले के प्रभारी हमारे भाई जन कोकली जी भी आ गए हैं, वो भी आगे अपना स्थान ग्रहण करें। एक साथी जाके बाहर देखने कोई रहता नहीं गया। मैं अब आगे आग्रह करूंगा माननीय लोगों के बीच में रहकर हमारा मार्गदर्शन करके किस प्रकार से प्रत्येक दिन संगठन को मजबूती की ओर ले जा सके, उस काम को कर रहे माननीय संगठन महामंत्री सुरेश जी भट्ट हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में पहुंचे। मैं उनका भारतीय जनता युवा मोर्चा हरियाणा की ओर से हार्दिक अभिनंदन का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले सत्र में अन्य विषयों पे हमने चर्चा की, अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए हमारे मार्गदर्शन करने के लिए किस प्रकार से हमें अब से आगे संगठन के काम को बढ़ाना है, मैं आग्रह करता हूं माननीय संगठन महामंत्री सुरेश जी से कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। हिमाचल और गुजरात चुनाव के बाद हरियाणा के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा किस प्रकार से हमारे केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर लोग अपने लोगों के बीच में जाकर काम करें और संगठन को मजबूत करने का और आने वाले 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच में काम करें। तो क्या फीडबैक देखिए, फीडबैक ये केवल संगठनात्मक रचना योजना बैठक थी जिसमें हमने एक विजन अपनी टीम के सामने रखा है कि किस प्रकार से ये हमारी प्रदेश और जिले के अध्यक्ष मिलकर नीचे बूथ स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करें, क्योंकि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी और प्रांत के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत ही विकासशील सरकार केंद्र और राज्य में चल रही है, जनता के हितों को लेकर और युवाओं को लेकर जिस प्रकार से काम कर रही है उसकी जागरूकता और उसका प्रचार प्रसार जनता के बीच में युवाओं के बीच में करें, इस विषय को लेकर ही बैठक के अलावा। देखिए, हिमाचल और गुजरात चुनाव के परिणाम 2019 का आगाज है, जनता का मूड और देश के नौजवान का जो मूड है ये उस बात का उत्तर है कि जिस प्रकार से 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा उससे कहीं ज्यादा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत कर आई। उसका रीजन क्या मानते हैं, ऐसा क्या है विशेषता कि 2019 में बहुमत की आप लोगों ने?
देखिए देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है वो देश को विकास की राह पर ले जाने का है, और भारत उनके नेतृत्व में न केवल देश बल्कि दुनिया में एक छाप छोड़ने वाला देश बना है। आज भारत की दमक दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक है, दिल्ली से लेकर लंदन तक है, वो केवल देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के कारण से, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य है कि 125 करोड़ की आबादी के इस देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे सक्षम देश बनाना। लगातार आप बैठ के कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कहीं कोई मतभेद की ऐसी कोई बात आपसे आइडिया काम को लेकर आइए? देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन केवल एकमात्र उद्देश्य है, वो है जनता का हित। हम किस प्रकार से अग्रसर होकर अपनी सरकार की नीतियों का लाभ गांव में बैठे व्यक्ति को, शहर में बैठे व्यक्ति को पहुंचा सके, इसी बात की चिंतन को लेकर ये बैठक थी। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश और हरियाणा प्रदेश के लोगों का विश्वास है, वो निरंतर निकाय चुनाव में और हाल ही में हिमाचल और गुजरात चुनाव में जनता ने उसको प्रमाण भी किया है, प्रमाणित भी किया है। कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याएं भी आपको बताई हैं, जहां गुटबाजी की बात हुई है। हमारे संगठन में कभी ना कभी गुटबाजी थी, ना कभी है, ना कभी होगी। हमारा संगठन की पहचान ही एकता और संस्कार है, क्योंकि देश में केवल एकमात्र राजनीतिक दल है जिसकी पहचान उसके संस्कार से और उसकी संगठनात्मक रचना से है। और हमारे यहाँ पर एक ओपन प्लेटफॉर्म है हर कार्यकर्ताओं को अपनी मन की बात रखने का, और किस प्रकार से हम संगठनों को मजबूत करके और किस प्रकार से हम जनता के हितों की रक्षा कर सके और उनके जिस प्रकार की अपेक्षा है उस पर हम खरा उतर सके, इस बात को लेकर हम निरंतर जनता के बीच में रहते हैं और उसको सुधारने का और आगे बेहतर करने का प्रयास करते हैं। बेरोजगार युवाओं को जो भत्ता देने की हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, उसके ग्रामीण स्तर पर प्रचार प्रसार के लिए क्या योजना युवा मोर्चा की? देखिए जिस प्रकार से हमारे संगठन की रचना प्रदेश से लेकर नीचे बूथ तक तक है, उसी प्रकार से आज जैसे प्रांत की बैठक है, इसके बाद जिले की बैठक और जिले के बाद मंडल की बैठक, उसमें प्रत्येक चीजों पर जैसे आज हमने जिन जिन विषयों पर यहाँ चर्चा की वो नीचे के स्तर पर भी चर्चा होगी, और सरकार की योजना का लाभ प्रत्येक गांव में बैठे नौजवान को, शहर के में बैठे नौजवान को मिल सके, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। एक विश्वसनीय नेता, एक मजबूत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो नरेंद्र जी के नाम पे है, और उपलब्धियाँ हम सब लोग देख ही रहे हैं, चाहे स्टार्टअप के मार्फत हो, चाहे स्किल इंडिया के मार्फत हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना के मार्फत हो, चाहे जनधन योजना के मार्फत हो, सरकार गरीबों के बीच में जाकर गरीबों को उत्थान का काम कर रही है। और निश्चित रूप से 2019 में हम प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, उसमें हरियाणा प्रदेश का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बाद अगर वो 75-70 सीटों पे पहुंचे हैं फिर भी कह रहे हैं कि सम्मानजनक है, तो मुझे लगता है विपक्ष को सोचना चाहिए। अगर कोई क्रिकेट के देखते हैं हम लोग 92 मीटर का अगर छक्के का वो है, हमने 99 मीटर मारा है लंबा, तो हम कमजोर कहाँ है? लेकिन वो 22 वर्षों के बाद भी जनता ने उनको नकार दिया, वो अभी तक 92 के उस पर नहीं आ पाए, तो असफलता उनकी। हम तो 22 वर्षों के बाद बहुत सारी सरकार जब रहती है तो एंटेंगमेंसी भी होता है, जातीय समीकरण वहाँ पे ऐसा इन लोगों ने बनाया, लेकिन आप उसको देखेंगे कि हमारा वोट प्रतिशत 2% बढ़ा, उसके बाद भी जब हम 115 सीटें जीते थे तो हम 47% कुछ थे, आज हम 49% कुछ हैं, हमारा 2% मत प्रतिशत बढ़ा। हाँ सीटों में घट गए लेकिन जनता ने हमको उससे ज़्यादा स्वीकार किया, और वो 22 वर्ष के बाद अभी तक सत्ता तक नहीं पहुँच पाए, कह रहे मजबूत। अभी आने वाले चुनाव कर्नाटक में उनकी सरकार है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ कर्नाटक में जीतने जा रही है। नहीं लेकिन ग्रामीण इलाकों में गुजरात की बात है, ग्रामीण इलाकों में तो आपका जो वोट परसेंट रहा वो कम रहा, क्या उसको अग्रसर करने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या अपेक्षा है? नहीं देखिए आप हर चुनाव को देखेंगे, एक समय था कि सौराष्ट्र वगैरह में हम लोग बहुत ज़्यादा जीतते थे जब केशुभाई पटेल जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, और दूसरे क्षेत्रों में हम लोग कम आते थे, लेकिन कुल मिला के पूरे जब हम लोग संजू पे देखेंगे तो कई बार जैसे पटेलों का जो आंदोलन चला या वो चला वो कारण हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 22 वर्षों के बाद भी हम बहुमत से ज़्यादा सीट लाने में सफल हुए, और वो 22 वर्षों के बाद भी
80 सीट तक नहीं पहुंच पाए, 80 जिसको हम लोग बता रहे उसमें तीन उनके सहयोगी दल हैं, 77 सीट है उनकी, तो उसमें उनको उतराना है तो उतरा लें, अगर वो इसमें खुश हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी अभी कर्नाटक में चुनाव हो रहा है वहाँ प्रचंड बहुमत के साथ सरकार हमारी बनेगी, आप देखते रहे। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को क्रियान्वित करने का काम युवा मोर्चा के कंधों में है और हर प्रदेश में युवा जो है वो बिल्कुल मनोबल के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ भारतीय जनता पार्टी को कार्यों को क्रियान्वित करने का काम है। प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। 2019 मिशन को लेकर हम लोग चल रहे हैं, उसमें उज्ज्वला से लेके जनधन योजना से लेके जितने भी हमारे केंद्र सरकार के द्वारा किए हुए काम है उनको हम लोग जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और युवा मोर्चा बहुत मजबूती के साथ, ताकत के साथ लगा हुआ है और निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश से बहुत बड़ा योगदान मिलने वाला है। देखिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा से शक में रहा है कि छात्रों को उनका रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, लेकिन उसकी एक व्यवस्था है, उसकी एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया उस तरीके से फॉलो हो और हमारी सरकार पहले भी की और आज भी उसका समर्थन करते हैं। और लीडरशिप का रिक्रूटमेंट सेंटर कोई भी इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है और हमारी सरकार पहले भी उसके हक में रही और आज भी उसके हक में।